तो हम धरातल पे देख रहे हैं कि जिस तरह का गठजोड़ हो रहा है, जैसे कि बहुजन समाज पार्टी मायावती जी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, जदयू नीतीश जी, कांग्रेस सोनिया जी, इतने लोग इकट्ठे हो जाएं, एक मंच पे हो जाएं, तो फिर आप बताइए कि ये निकाय चुनाव कहाँ रह जाएगा। इससे तो बड़ा गठबंधन वो तैयार हो जाएगा, यूपी में तो कोई असर नहीं रहेगा। आप किधर रहेंगे आप? ये चारों नेता जिस दिन एक मंच पे हो जाएं, हमको फोन करें तो एक घंटा पहले ही हम पहुंच जाएंगे। अरे जो विचार आप बनाए थे जाने के लिए, विचार कहाँ बनाए थे? विचार बनाए तो चले नहीं गए। भाजपा में आपकी करीबियां बड़ी थी, कयास लगाए जा रहे थे कि आप भाजपा एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे, क्या रहा? नहीं देखिए, अभी जैसे पाँच दिन पहले मैं मुख्यमंत्री से मिला, मैं अभी ब्रिजेश पाठक से मिलता रहता हूँ, जयशंकर से मिलता रहता हूँ। देखिए, हम अपनी पार्टी के विधायक दल के नेता हैं और हमारे 6 विधायक हैं, और विधायक दल के नेता होने के नाते जो प्रदेश की समस्या होती है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं कि बगैर मिनिस्टर से मिले या मुख्यमंत्री से बगैर मिले वो काम नहीं हो सकता, तो हम उस हैसियत से मिलते हैं। अब इस समस्या को लेकर प्रदेश की हम मायावती जी से मिल के, हम अखिलेश जी से मिल करके तो उसको हल नहीं करा सकते। देखिए, कोई छुआछूत नहीं है, कब कहाँ नेता चले जाएं। आपने देखा पीडीपी और भाजपा का समझौता हुआ, कोई मानता था कि बसपा सपा एक होंगे? 19 में दोनों लोग एक हुए। आरजेडी और भाजपा या जदयू का देख लीजिए। अरे नेताजी, आपके बारे में कहा जाता है निगाहें कहीं और निशाना कहीं रहता है, तो कहीं ऐसे लोग मिलने के लेकर के यही तो नहीं रहता आपका अभिप्राय? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये अपनी अपनी समझ है। देखिए, हम अपनी विचारधारा को लेके, आप लोगों ने देखा कि अभी हम लोग माने विधायक दूधराम जी चर्चा कर रहे थे, उस कड़ाके की ठंड में इतनी महिलाओं को इकट्ठा करना किसी के बस में है? किसी पार्टी के पास नहीं। लेकिन आपकी पत्नी तो बसपा से लड़ रही है। देखिए, निकाय चुनाव है, बसपा से लड़े सपा से लड़े, वोट का जुगाड़ है, पूरा देश वोट के जुगाड़ में ही ले देख नहीं रहे। बसपा से भी करीबी बढ़ रही है क्या? करीबी हम तो कह रहे हैं कि राजनीति में कोई असंभव नहीं है, सब चीज संभव है। आपने प्रधानमंत्री के पक्ष में आप वोट मांगने के लिए आए, एक मायावती जी को आज भी नहीं, आज भी कह रहा हूँ। देखिए, जैसे हमारा कहने का तात्पर्य था कि जो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं कि हम बीजेपी की सरकार नहीं बनने देंगे, अगर उस स्थिति में यूपी में 80 लोकसभा सीटें हैं और दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है, अगर आप लोग चाहते हो तो पहले यूपी रोकने के लिए तो जाओ मायावती जी के पास समर्थन मांगो। अगर मायावती जी समर्थन नहीं देती हैं तो आप लोग उन्हीं को पीएम मान लो, मान करके उन्हीं को आप सब लोग इकट्ठा हो जाओ, लड़ाई झगड़ा आप प्रधानमंत्री कुर्सी का ना करो। तो हम भी तो आज भी पक्षधर हैं कि मायावती जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और राष्ट्रीय स्तर पर वोट है और एक बड़ा मोर्चा तैयार होगा, ये चारों पांचों नेता चुन लें, इकट्ठा हो जाएं और हम लोगों को ले लें साथ में, तो हमको अंदाजे 65-70 सीट यूपीए में जीत जाएगी। चुनाव साथ लड़ रहे हैं, 400 से ज्यादा नगर पंचायत और नगर पालिका लड़ रहे हैं और हजारों सभासद और मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, काफी संख्या में लोगों का स्नेह प्यार सम्मान मिल रहा है जनता के बीच में। हम लोग चाहे सावधान रथ यात्रा के माध्यम से, चाहे महिला सम्मेलन के माध्यम से, हम लोग उनके बीच में पहले से उनको बार बार समझाता रहता है कि हम भाई एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा चाहते हैं, हम गरीबों का इलाज फ्री चाहते हैं, हम पंजाब और दिल्ली में अगर 300 यूनिट बिजली फ्री है तो फिर उत्तर प्रदेश में भी 300 यूनिट बिजली फ्री हम दिलाना चाहते हैं, हम प्रदेश में जातिवार जनगणना चाहते हैं।